नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बताएंगे, देखिए ये बच्चे हैं सिया केड़ी के, जो नर्सरी में घूमने के लिए आए हैं। नर्सरी घूमने के इच्छुक हैं, पेड़ पौधे के बारे में बताऊंगा मैं आज इनको। तो बेटे बताइएगा, कहाँ से आए हो आप? सिया केड़ी से। हाँ। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? दीपांजय देव। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। कहाँ पे पढ़ते हो? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी। और बेटा आपका नाम बताइए। विद्यांशी टांग। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। अच्छा, और आपका? आपका नाम बताओ। टांग। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। तो कैसे आए हो आज यहाँ पे? नर्सरी घूमने के लिए। अच्छा चलो, देखिए ये नर्सरी है, इनको रूट ट्रे बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इनको? रूट ट्रे। ये कैरिट होते हैं ना, इनको रूट ट्रे बोलते हैं। इसमें जैसे आंवले के पौधे तैयार कर रखे हैं, अब इनको बाद में थैलियों में लेंगे तो यहाँ से जैसे नीचे से उंगली चलाई और ये पूरा पौधा बाहर आ जाएगा इसे से, यहाँ से नीचे से। इसमें छेद होता है नीचे, फिर इनको थैलियों में लेंगे पौधे को। इसके अलावा देखिए ये छोटी थैली में उधर पौधे तैयार कर रखे हैं, इनको भी फिर बड़ा करने के लिए बड़ी थैलियों में लेंगे। इधर देखिए ये पौधे शिफ्टिंग का काम चल रहा है, अब इनको एक साथ दूसरे पेड़ों में शिफ्ट कर रहे हैं इन पौधों को, है ना। ये देखिए ये बरगद के पौधा है ना, और वो है बादाम के, ठीक है, वो बादाम के पौधे हैं, वो बीज से तैयार होते हैं। ये कलम से तैयार कर रखे हैं बरगद की डाल से, है ना, बरगद की डाल से कर रखे हैं कलम से। ये देखिए यहाँ पे वो टिमरू के पौधे हैं इन पेड़ों में, अभी बीज से तैयार किए थे ये। चलो आगे आ जाओ और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये बावड़ी बनी हुई है पानी की, इसी बावड़ी की वजह से इस नर्सरी का नाम भी क्या है, बारह की बावड़ी। इसी बावड़ी की वजह से बोलते हैं ना इसको, ठीक है। ये बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे, देखिए पानी रहता है इसमें हमेशा। हाँ अभी मोटर चलाए थे इसलिए पानी नीचे गया थोड़ा। ये देखिए आपके पीछे केले के पौधे हैं पूरे, देखो बड़े बड़े केले भी लगते हैं इनमें। ये जो केले के अंदर देखिए इधर पीछे ये देखो पीछे लाल फूल आ रहा है ना, ये इसकी सब्जी बनती है। हाँ चलो ये बताइए, ये पौधा किसका है, इसका नाम बताओ, जानते हो आप? देव इसका नाम बता। आम। आम। मैंगो। और इसके आगे वाले का बताइए, चलो जानते होगे आप, इसका नाम बताओ। इसका नाम ये जाफल। ये वाला वो सामने ये अमरूद का नहीं है। अमरूद का नहीं, इसको बोलते हैं बेटा सीता शोक का है ये। सीता शोक। हाँ, जो अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी ना, उसी के नाम पे इस वृक्ष का नाम भी सीता शोक रखा गया है, सीता शोक बोलते हैं इसको। और ये किसका जानते हो आप? ये लंबा है जो। हाँ ये मैं वो कटहल का है, कटहल का है ये। हाँ तो ये किस चीज के पौधे हैं? आपने भी बताया था ये आंवला। आंवला। और आगे ये उसकी वो उसकी बांस की है। हाँ बांस का पौधा है ना। ये तरबूज का है ना? तरबूज का नहीं है, ये तो बेल है वैसे ही। इधर देखिए वो सामने ये सामने, उधर देखे रात रानी के हैं, ये करंज के छायेदार पौधे, उधर आम कटहल जामुन के हैं। और यहाँ पे जंगल में टाइगर नहीं, पैंथर पाए जाते हैं, यहाँ पे पैंथर मिल जाते हैं जंगल में। पैंथर यहाँ पे नहीं, अंदर जंगल में ऐसे नहीं दिखता है अभी वो घूमने गया। हाँ कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। चलो आ जाओ पीछे घुमाते हैं उधर। खाली लड्डू सबने? लड्डू खाली है? चलो आ जाओ पीछे घुमाते हैं ना। रात में दिखता है पैंथर, दिन में नहीं दिखता। देखिए यह है वर्मी कंपोस्ट की कुंडिया बना रखी है, केंचुए की खाद तैयार कर रहे हैं इसमें, ठीक है। केंचुए खाद, इसमें केंचुए छोड़ रखे हैं, देखिए खाद भी बन चुकी है अपनी कंप्लीट। इसके अंदर केंचुए हैं, जानते हो ना, वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा तुमने, है ना, साइंस में। हाँ डी कंपोस्ट, तो वही सबसे बढ़िया खाद होती है, पौधे में डालते हैं इसको। हाँ मैंने देखा था, पढ़ा था। हाँ वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं इसको, है ना।
आगे देखिए आर पार बना रखा है, और वो बाउंड्री हो रही है नर्सरी पीछे की, इसके बाद में पूरा जंगल है आर पार, पीछे पैंथर भी रहता है यहाँ, लेकिन उसका कोई टाइम फिक्स नहीं कब आ जाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, ये बच्चा आया था, बच्चों का टूर नर्सरी का। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हम शेयर जरूर करें। चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।